तो आज का जो कंपैरिजन है वो समझ लीजिए सैमसंग के M14, F14 एंड A14 को लेकर है, बिकॉज इसी में प्रोसेसर आया है एक्सनोस 1330 वर्सेस है डैमसडी 680 के, मतलब 6080 का लेकर है, जो कि आया है इन्फिनिक्स नोट 35G पे। तो देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है बेटर एंड कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। वैसे फोन कंपैरिजन टेक्डनरॉन पे मिल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अनाउंस डेट की। मई 2023 एंड फरवरी 2023 अनाउंस डेट है, मतलब दोनों ही प्रोसेसर लेटेस्ट हैं, एक मई में है एक फरवरी में है। बात करें क्लास की तो दोनों ही प्रोसेसर मिड रेंज में आते हैं। मॉडल नंबर में एक्सनोस का मॉडल नंबर S5E8535 है एंड TDP की बात किया तो एक्सनोस 7 वॉट के साथ है एंड डैमसिटी 5 वॉट के साथ आता है। आर्किटेक्चर वाइज यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर देखने को मिलेंगे। डैमसिटी 6080 में यहाँ पे 2 कोर 2.4 GHz का कॉर्टेक्स A76 देखने को मिलता है एंड 6 कोर 2 GHz का कॉर्टेक्स A55 देखने को मिलता है। वहीं पे एक्सनोस जो यहाँ पे 2 कोर 2.4 GHz का कॉर्टेक्स A78 एंड 6 कोर 2 GHz का कॉर्टेक्स A55 के साथ आते हैं। मतलब आपका जो बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो एक्सनोस के साथ होगी, बिकॉज का TDP बेटर है, कॉर्टेक्स बेटर एंड फ्रिक्वेंसी सेम है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो डैमसिटी जो है 2400 MHz के साथ क्लॉक आता है एंड एक्सनोस जो है ये भी सेम आता है 2400 MHz के साथ। फैब्रिकेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जितना स्मॉल फैब्रिकेशन उतना बेटर प्रोसेसर होता है। तो वो जो फैब्रिकेशन वाले पार्ट में डैमसिटी वो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है एंड एक्सनोस 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो जाती है, प्लस इसकी बैटरी लाइफ भी इंप्रूव हो जाती है। एंड अब बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स में जीपी में डैमेसिटी में मिलता है माली G57 MC2 जिसका आर्किटेक्चर वॉल हॉल है एंड एक्सनोस में मिलता है माली G68 जिसका आर्किटेक्चर है वॉल हॉल 2। तो माली G68 बेटर है। एंड अब बात करते हैं इसके फ्रीक्वेंसी की। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो आपको गेमिंग ग्राफिक्स सपोर्ट देखने को मिलेगा वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ कितना मिलेगा। फ्रीक्वेंसी की बात किया तो यहाँ पे जो डैमेसिटी है 950 MHz की स्पीड के साथ आता है, एक्सनोस जो है ये सेम आता है 950 MHz की पीक स्पीड के साथ। फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात करें तो डैमसरी 289 तक क्लॉक है एंड यहाँ पे एक्समोस 240 GHz पे क्लॉक आता है। मेमोरी टाइप में यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर डिफरेंट देखने को मिलेंगे। डैमसरी LPDDR4X का मैक्सिमम सपोर्ट करेगा, फ्रीक्वेंसी है 2133 MHz पे एंड एक्समोस जो है वो LPDDR5 का सपोर्ट करता है, इसकी रैम फ्रीक्वेंसी 3200 MHz के साथ है। स्टोरेज टाइप में भी एक्सनोस बेटर है, इसमें UFS 3.1 का मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है, जबकि डैमसरी में आपको मैक्सिमम UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है। बात करते हैं गेमिंग की। तो गेमिंग ग्राफिक्स में डैमसिटी में जो डेटा मैंने लिया है वो इन्फिनिक्स नोट 30 लिया है एंड एक्सनोस का डेटा सैमसंग A14 से लिया है। तो ग्राफिक सपोर्ट में दोनों प्रोसेसर 40 के साथ HDI सपोर्ट कर सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी की बात किया तो 30 मीडियम हाई का दोनों ही सपोर्ट करते हैं, जबकि एक्सनोस में इससे बेटर आ सकता था लेकिन एक्सनोस में उतना सपोर्ट दिया नहीं गया है। बात करते हैं वीडियो कैप्चर की। तो वीडियो कैप्चर में एक्सनोस बेटर है 4K 30 FPS के साथ, बट ये दोनों फोन का आप फोन कंपैरिजन जरूर देखेगा, बिकॉज फोन में आपको काफी हाई डिफरेंस देखने को मिलेगा प्रोसेसर के कंपैरिजन में। एंड बात करते हैं यहाँ पे जो प्लेबैक है, प्लेबैक में भी सेम देखने को मिलेगा, डैमसिटी 2K का सपोर्ट करता है, एक्सनोस 4K का, लेकिन एक्चुअल में फोन में 1K का सपोर्ट मिलता है। एंड रैम की बात करें तो LPDDR4X एंड UFS 2.2, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सैमसंग वाला जो फोन है सैमसंग F14 A14 M14 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 35G का फोन कंपैरिजन देख लीजिएगा, मैं टेक्डनरॉन पे जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। डिस्प्ले की बात किया तो डिस्प्ले में दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम सपोर्ट करते हैं, 2520x1080 पिक्सल सपोर्ट करता है डायमेसिटी एंड एक्सनोस सपोर्ट करता है 2916x1440 पिक्सल्स। NPU की बात किया तो दोनों के पास NPUs अवेलेबल हैं। कनेक्टिविटी वाइज दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पे 5G सपोर्ट करते हैं, 4G LTE Cat 18 मिलेगा, 5.1 एंड 5.2 की ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, वाईफाई में दोनों के पास वाईफाई 5 की टेक्नोलॉजी है। Geekbench की अब बात करते हैं। तो Geekbench सिंगल कोर स्कोर में डैमसिटी 670 स्कोर करेगा एंड एक्सनोस 739, मतलब बेटर परफॉर्मेंस आपको एक्सनोस में देखने को मिल जाएगी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसके पास कॉर्टेक्स A78 है प्लस इसका 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से और बेटर बनाता है एंड TDP भी इसका बेटर है। मल्टी कोर की बात करें तो मल्टी कोर में डैमसिटी 1098 स्कोर करेगा एंड एक्सनोस का स्कोर 2489 आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना हाई डिफरेंस है, मतलब आपको जो बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो एक्सनोस 1330 में होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके Antutu 9 स्कोर की। Antutu 9 में डैमसिटी का स्कोर 4 लाख अराउंड तक आ जाता है एंड एक्सनोस का स्कोर 3 लाख 64 तक आता है। यहाँ पे Antutu ये जो है फोन का लिया गया है इसलिए इसे कम दिया गया है, क्योंकि फोन में LPDDR4X आता है एंड UFS 2.2 स्टोरेज। 3D Mark की बात किया तो डैमसिटी 1200 प्लस स्कोर करेगा एंड एक्सनोस 1382 बिकॉज के पास माइलेज G68 है।
कंक्लूजन कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है, मैं फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सा प्रोसेसर है बेटर सीपीयू परफॉर्मेंस में, यहाँ पे डैमसिटी 38 स्कोर करेगा, नेक्सनोस 41 स्कोर करेगा। गेमिंग में बात करें तो डैमसिटी एंड एक्सनोस दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम स्कोर रहने वाला है, बट एक्सनोस में आपको पता है कि गेमिंग से रिलेटेड क्या क्या इशूज होते हैं, अगर नहीं है तो आप ये गेमिंग टेस्ट जरूर देखिएगा फोन बाई करने से पहले। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो डैमसिटी जो है 84 स्कोर करेगा, नेक्सनोस से बेटर है, 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है तो 89 स्कोर करता है। एंड टेक्रोम स्कोर की बात करें, मतलब कौन सा प्रोसेसर है बेटर, तो वो है एक्सनोस, जिसे मैं 43 स्कोर देता हूँ। एक्सनोस को जो बाकी कम थोड़ा स्कोर हुआ है, एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सनोस एक बेटर प्रोसेसर है, बट थोड़े ऑप्टिमाइजेशन एंड थोड़े हीटिंग की वजह से, बाकी ये सैमसंग में मिलता है, तो इसे भी मैंने 43 ही स्कोर दिया। वैसे ये 43.6 आप बोल सकते हैं, मतलब लगभग 44 तक स्कोर करता है मेरे हिसाब से। अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में से कोई प्रोसेसर लेने वाले हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, फोन का कंपेरिजन देख के जाएगा, टिक डेंड्रॉन पे मिल जाएगा, आई बटन में भी देने की कोशिश करूंगा, लेने वाले हैं तो बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।